हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विदिशा इंडियन किचन में। आज हम बनाएंगे सत्तू बाटी, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और बहुत लाजवाब लगती है खाने में। आप इसे इस तरह से भी खा सकते हैं। देखिए, इसे आप तोड़ दीजिए बीच से, उसके बाद आप चाहें तो इसे घी इस तरह से भी खा सकते हैं। आप चाहें तो इसे डुबो कर आप अगर हेल्दी खाना चाहते हैं तो सिर्फ इस तरह से बनाकर खाइए। तो एक बार ज़रूर बनाकर खाएं, बहुत ही अच्छा लगता है। हमारी वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। तो चलिए बनाते हैं सत्तू बाटी। आज हम बनाएंगे सत्तू बाटी। तो चलिए देख लेते हैं सत्तू बाटी बनाने के लिए हमें किन किन सामग्री की ज़रूरत है। तो उसके लिए हमने लिया है इस कप से 1.5 कप सत्तू, भुना हुआ है सत्तू, और 2 प्याज। हमने प्याज को बारीक काट लिया है, 8 से 10 कलियाँ। लहसुन की, इसे भी हमने बारीक काट लिया है। थोड़ी सी धनिया की पत्ती है, इसे भी हमने बारीक काट लिया है। और 8 से 10 हरी मिर्च लिया है, तीखा अपने हिसाब से ले सकती हैं। और 1 नींबू लिया है हमने, और मंगरेल है, काला जीरा, और जवाइन, नमक और सरसों का तेल। तो चलिए पहले हम सत्तू बाटी के लिए पहले सत्तू को तैयार कर लेते हैं फिलिंग के लिए। तो इसमें हम मिर्ची डाल लेते हैं, हरी धनिया की पत्ती, लहसुन की कलियां भी जिसे हमने बारीक काट लिया है, और प्याज भी। और इसी में हम काला जीरा डाल देते हैं थोड़ा सा, थोड़ी सी जवाइन, और इसको मिक्स कर लेते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करना है, जितना आप इसको मिक्स कीजिएगा उतना ही टेस्ट आएगा सत्तू में। और इसे आप बारिश के मौसम हो या सर्दी के मौसम में आप बना के खा सकती हैं, बहुत ही चटकदार लगता है। खट्टा अपने हिसाब से रख सकती हैं सत्तू में। हमने 1 नींबू निचोड़ लिया है, इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। और सत्तू बाटी आज हम कढ़ाई में बनाएंगे, दिखाएंगे आपको। अब इसमें हम सरसों का तेल डाल देते हैं, 3 से 4 चम्मच हमने इसमें सरसों का ऑयल डाल दिया है। इसमें आप अचार, जो भरवा मिर्च का अचार होता है, वो भी डाल सकती हैं, लेकिन नींबू से ज़्यादा टेस्ट आता है। तो इस तरह से हम इसे मसल कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, हमारा फिलिंग तैयार हो गया है बाटी के लिए। तो चलिए सत्तू बाटी के लिए हम आटा भी तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए, हमने इसे दो कटोरी आटा लिया है, गेहूं का आटा है।
और घी लिया है 4 चम्मच होंगे। थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, सत्तू में भी नमक है तो थोड़ा हिसाब से ही इसको मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम घी डाल के मिक्स करेंगे, जिससे हमारा बाटी खस्ता बने, अच्छा बने, मुलायम बने। इसको अच्छे से मिलाना है। अच्छे से मिला लेंगे, उसके बाद इसे गूंथेंगे। आप अगर चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं, रिफाइंड, लेकिन हमने घी डाला है। घी से ज़्यादा खस्ता बनता है और स्वादिष्ट भी लगता है, तो घी ज़्यादा बेस्ट है। तो देखिए हमने इसे अच्छे से मिला लिया है, मिक्स कर लिया है, और इस तरह से हो जाए मतलब मैन आपका अच्छा आटा में पड़ा है। इसे हम आप गूंथ लेंगे, ना ज़्यादा सख्त ना ही गीला, मीडियम। तो धीरे धीरे पानी डालकर इसे मुलायम आटा गूंथ लेंगे। तो देखिए हमने मुलायम आटा गूंथ लिया है। अब इसमें हम फिलिंग भरेंगे सत्तू वाला। तो इस तरह से आप एक लोई ले लीजिए और इसे इस तरह से बाटी की तरह बनाएंगे हम। इसमें थोड़ा सा इस तरह से फिलिंग भर देंगे और इसे बंद कर देंगे इसका मुंह। इस तरह से आप हम सब बाटी बना लेंगे, उसके बाद हम कढ़ाई में बनाना दिखाएंगे। इस तरह से तो हमने सारे बाटी तैयार कर लिए हैं फिलिंग भरकर, और हमने गैस पर कढ़ाई रख दिया है। इसमें थोड़ा सा देखिए हमने कढ़ाई गैस पर चढ़ा दिया है और इसे हमने थोड़ा सा हीट कर लिया है कढ़ाई को। अब इसमें हम डालेंगे अपना बाटी जिसे हम तैयार किए हैं, तो एक एक करके आप डाल दीजिए इसमें। थोड़ा सा तेल लगा लीजिएगा कढ़ाई में, नहीं लगाएगा तो फिर जल जाएगा, पकड़ लेगा कढ़ाई, तो फिर बाटी आपका अच्छा नहीं बनेगा। तो हमने एक एक करके सारे बाटी को इसमें डाल दिया है और फ्लेम को एकदम लो कर देंगे। ऐसे 15-20 मिनट तक उलट पलट करके इसे हम देख लेंगे बीच बीच में। इसे हम ढक करके धीरे धीरे धीमी आंच पर इसे पकने तक उलट पलट करके इसे पकाएंगे। तो चलिए हमने बीच में एक बार देख लिया था, उलट दिया था, फिर से हम इसे देख लेते हैं जले नहीं। इसे आप चारों तरफ से धीरे धीरे उलट पलट करके पका लीजिए अच्छे से। तो इस तरह से छोड़ना नहीं है, इसे बीच बीच में देखते रहना है, नहीं तो फिर जल जाएगा। तो इसी तरह से पकाना है आपको कढ़ाई में। आप अगर चाहें तो कुकर में बना सकते हैं, लेकिन कढ़ाई में ज़्यादा अच्छा रहता है उलटने और देखने में, उलटने में भी आसानी रहती है। तो हम इसे फिर से ढक देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं
देखिए 20 से 25 मिनट लगा, लेकिन बहुत अच्छा हमारा लिट्टी बाटी बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरह से आप भी बनाएं और एक बार बनाकर जरूर खाएं। हमारी वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। तो फिर मिलेंगे हम एक नए रेसिपी के साथ, तब तक घर में रहें, स्वस्थ रहें।